हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने की सब्जी। काले चने की रेसिपी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं काले चने की सब्जी बनाना। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले। इसके लिए हमने छोले को रात को भर पानी में भिगो के रख लिया था और हमने ये छोले जो हैं उबाल के रख लिए हैं। देखिए, ये उबले हुए छोले 2 कटोरी। ये हमारे पास है हल्दी 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, ये हमारे पास किचन किंग 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, और यहाँ पर नमक है आधा चम्मच। ये हमने पिसी हुई मिर्च 2 चम्मच ली है, और ये अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट आधा कटोरी, और ये 2 प्याज कटी हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं छोले बनाना। और हमने एक कुकर ले लिया है, उसमें हमने अपना तेल गरम कर दिया है। अब इसमें डालेंगे प्याज, हमारी प्याज जो है वो हल्की गोल्डन हो चुकी है। हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट आधा कटोरी। और इसको चला लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसको कम से कम 5 मिनट के लिए भूनने देंगे, मसाले को, अदरक लहसुन प्याज के पेस्ट को। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये जो है ये अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट भून गया है। हम इसको डाल लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, सूखी लाल मिर्च 1 चम्मच, किचन किंग 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच। फ्रेंड्स, हम इसमें नमक कम ऐड करेंगे, क्योंकि हमने नमक जो है रात को जब हमें छोले भिगोए थे उसमें हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सोडा डाल के हमने रात को छोले भिगो लिए थे, इसमें इसलिए हम नमक कम ऐड कर रहे हैं सब्जी में। अब अच्छे से सबको मिला देंगे और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। अभी थोड़ी देर के लिए भुनने देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है 5 मिनट के बाद भुन के तैयार हो चुका है। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका मसाला भुनने के बाद, ये देखिए। अब इसमें ऐड करेंगे छोले। अब इसमें ऐड करेंगे छोले।
थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि हमारे जो छोले हैं वो मसाले के साथ अच्छी तरह से भून जाए। कम से कम 5 मिनट के लिए हम इसको भुनने देंगे। अब हमने इसको छोले को जो है मसाले के साथ 10 मिनट तक गर्म कर भून लिया है। हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चार गिलास पानी ऐड करेंगे हम इसमें। 2 गिलास पानी तो हमारा वो है जो हमने छोले उबाले थे उसका पानी है, और 2 गिलास पानी हम अलग एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे इसमें। हम इसमें 4 गिलास पानी यूज़ कर चुके हैं। हम इसको चला लेंगे। अब हम 10 मिनट तक करीब सब्जी को पका लेंगे ताकि जो हमारा पानी है वो सब्जी के साथ अच्छे से पक जाए। इसका ढक्कन लगा देंगे। 10 मिनट के बाद हमने सब्जी को पका लिया है, तो हम देख लेते हैं हमारी सब्जी बनी है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स कि हमारी सब्जी 10 मिनट के बाद बन के तैयार हो चुकी है। देखिए बनने के आधे कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी सब्जी जो है बनके तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। जी देखिए हमारी सब्जी कितने अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स अब हमने जो है ये सब्ज़ी को सर्व कर लिया है। सर्व करने के बाद हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है देखिए, दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल। इसके लिए हमने चावल लिए हैं 2.5 गिलास जो हमने धो के साफ़ कर लिए हैं। ये हमने लिया है जीरा 1/2 चम्मच, लौंग 6-7, नमक 1.5 चम्मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चावल बनाना। ये हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने तेल गरम कर लिया है। तेल डाला है हमने करीब 2 चम्मच। इसमें हम डालेंगे जीरा। और इसमें डालेंगे लौंग 5-6, हमारे ये लौंग और जीरा गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चावल 2.5 गिलास। अब इसमें चावल डाल दिए हैं। देखिए मैं चावल को जो है तेल के साथ अच्छे से भून रहे हैं। अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच नमक। हम नमक को ही चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट तक करीब चावल को भूनेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे 5 गिलास। ये हमारे 2.5 गिलास चावल हैं इसलिए हम इसमें 5 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास चावल में हम 2 गिलास पानी डालते हैं।
हम पानी को चावल साथ मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे। 15-20 मिनट बाद हम चावल हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। हम इसकी प्लेट ढक देंगे इसके ऊपर। मैं आपको दिखाती हूँ 20 मिनट बाद। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो चावल है वो 20 मिनट के बाद, हमने 20 मिनट तक उसको पका लिया है। हम देख लेंगे खोल के कि हमारे चावल बने हैं या नहीं। देखिए हमारे चावल जो है बनके अच्छे से तैयार हो चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ चावल बनने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए हमें चावल बिल्कुल खिलवा बनाया है। हमारे चावल जो है बिल्कुल भी चिपके नहीं है। ये देखिए हम थोड़ी, मतलब हमने जो चावल को 20 मिनट तक पकाने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया था। हम इसको जो है थोड़ा खोल देंगे ताकि हमारे चावल जो है बिल्कुल खिलवा हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ चावल बनने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल खिलवा चावल बनाए हैं हमने, चिपके नहीं है बिल्कुल भी। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जो है चावल को सर्व कर लिया है और चावल हमारे बनने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। और बिल्कुल हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल चिपके नहीं हैं, बिल्कुल खिलवा चावल हैं हमारे। और हमने चावल के ऊपर गार्निश के लिए कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है, जिससे कि हमारे चावल देखने में काफ़ी कलरफुल लग रहे हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर करें।